और बात कर लेते हैं धनबाद की, जहां वैक्सीनेशन में राज्य में धनबाद पहले स्थान पर है। लक्ष्य का 92% लोगों ने टीका लिया है। आई और लोग वैक्सीनेशन के लिए तैयार हुए और अब उपलब्धि की नंबर वन पे है। देखिए आरती, इसके लिए पूरी तरह से जिला प्रशासन की जो टीम है वो उसका उसको ही इसका श्रेय जाता है, क्योंकि जिस तरह शुरुआती दौर में वैक्सीनेशन के लिए लोगों को कई चिरौरी और मिन्नतें करने पड़ रही थी, यहाँ तक कि स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य कर्मी भी इससे थोड़ी दूरी बनाए हुए थे, लेकिन जिले के उपायुक्त की मुहिम ने इस पर रंग लाया और इसे अब तक 39 दिनों में लक्ष्य को 92% लोगों को टीकाकरण कराकर राज्य में पहला स्थान हासिल किया, तो कहीं एक बहुत बड़ी उपलब्धि है धनबाद के लिए। और ये संकेत करता है कि जिला प्रशासन अगर किसी काम को पूरा करने का दृढ़ निश्चय कर ले तो उसमें सफलता निश्चित रूप से हासिल होती है। यहाँ पर देखिए, इन 39 दिनों में 24,199 लोगों का टीकाकरण किया गया, जबकि लक्ष्य 26,343 था। तो कहें तो ये राज्य के लिए, राज्य में धनबाद के लिए नई उपलब्धि है और इसका सारा श्रेय कहें तो डीसी और पूरी स्वास्थ्य टीम, इसके वैक्सीनेशन की जो टीम है उसको जा रहा है। तो लोगों ने हर्ष जताया है और उम्मीद जताई है कि जो आने वाले फेज में जो और टीकाकरण के जो जिस तरह से डेट घोषित होते जाएंगे उसमें भी धन्यवाद अब्बल रहेगा जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो राज्य में पहले नंबर पर धन्यवाद के नाम ये उपलब्धि कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर।